हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं टंग नर्व सप्लाई के बारे में। टंग की जो नर्व सप्लाई है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इस चार्ट के अंदर, इस पूरे पेज के अंदर मैं पूरी जो टंग है उस टंग की नर्व सप्लाई के बारे में बात करूंगा और इस डायग्राम से मैं पूरी की पूरी जो टंग है हमारी उसकी नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। हेड एंड नेक का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नर्व सप्लाई ऑफ टंग। जनरली ये जो डायग्राम है ये हमारी टंग का डायग्राम है और इसके अंदर ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये एक तरह का फोरामेन सीकम। फोरामेन सीकम, ये जो टंग है हमारी, इसकी जो वाल है आपस में मिलती है, ये कौन सी है? ये है एक वैलेट पेपिला या सर्कम वैलेट भी बोल सकते हैं, या नहीं अगर सॉरी ये जो लाइन है जो एक फोरामेन सीकम को मिलाती है ये है सल्कस टर्मिनस। और जो इसके जो इस साइड में है एंटीरियर साइड में इस सल्कस टर्मिनस के, ये है एक जो मैंने सर्कल सर्कल दिखा रखे हैं, ये है एक वैलेट पेपिला और एक इसको सर्कम वैलेट पेपिला भी बोल सकते हैं। जनरली ये जो नर्व सप्लाई बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ पे ये जो मैंने जो ये एक स्काई ब्लू कलर से जो पार्ट लिया है ये एक पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है और इस पोस्टीरियर वन थर्ड के अंदर ही जो पोस्टीरियर वन थर्ड के अंदर जो नर्व सप्लाई करेगी टंग को वही करेगी इस सर्कम वेलेट पेपिला को, क्योंकि ये भी इसके अंदर ही आ रहा है पोस्टीरियर वन थर्ड के अंदर। जबकि ये जो एंटीरियर टू थर्ड है मैंने रेड कलर से शो कर रखा है, ये एक अलग नर्व सप्लाई करती है इनको। तो एंटीरियर टू थर्ड के बारे में पहले बात कर लेता हूँ। तो इस एंटीरियर टू थर्ड के अंदर ही हमारे जो फंजीफॉर्म और जो फिलीफॉर्म पेपिला होते हैं वो जनरली इसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर जनरली दो तरह की नर्व सप्लाई पढ़ेंगे अपन, एंटीरियर जो रेड कलर स्ट्रक्चर के अंदर, और मैं इसी कलर से शो करूँगा इसको क्योंकि रेड वाली नर्व सप्लाई को रेड से बनाऊँगा, स्काई ब्लू वाले को स्काई ब्लू से बनाऊँगा और इस ब्लू वाले को ब्लू से बनाऊँगा जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात कर रहा था कि जो रेड वाली ये दो तरह की नर्व सप्लाई करती है, एक करती है सीटी मतलब कोल्डा टिम्पेनी, और जो कोल्डा टिम्पेनी है ये हमारे एक फेशियल नर्व की ब्रांचेस, और फेशियल नर्व कौन सी है नर्व है जनरली वो हमारी सेवंथ क्रैनियल नर्व, और ये एक स्पेशल सेंसरी है मतलब एसएस से याद करूँगा इसको। सेकंड ये सप्लाई करता है हमारे लिंगीफॉर्म, वो दिखा देता हूँ मैं आपको, दिख रहा नहीं होगा तो शायद अब आपको दिख रहा होगा, ये है एक लिंगीफॉर्म नर्व जो एक ब्रांच है एक मैंडिबुलर नर्व की, और ये एक और मैंडिबुलर नर्व कौन सी है, फिफ्थ नर्व है जनरली, और ये जनरली सेंसरी। तो ये तो हुई हमारी रेड कलर वाली नर्व सप्लाई हो गई। अब मैं बात करता हूँ स्काई ब्लू के अंदर पोस्टियर, ये तो एंटीरियर टू थर्ड, तो दो तरह की नर्व सप्लाई करती कोल्डा टिम्पेनी और लिंगुअल नर्व। नेक्स्ट है ये जो स्काई ब्लू है इसके अंदर जो पोस्टीरियर वन थर्ड के अंदर जो नर्व सप्लाई करता है वो कौन करता है, ग्लोसोफेरिंग्स नर्व, और ग्लोसोफेरिंग्स कौन सी नर्व है जनरली नाइन्थ क्रैनियल नर्व, और इसके अंदर दोनों जनरल सेंसरी जीएस और एसएस मतलब स्पेशल सेंसरी दोनों इंक्लूड्स होता है। उसके बाद में ये वाला जो ब्लू कलर से स्ट्रक्चर मैंने शो कर रखा है इसके अंदर क्या है कि जो पोस्टीरियर पार्ट्स है ये एक नियर टू वेलिकुला, वहाँ पे एक इंटरनल लेरेंजियल नर्व सप्लाई होती है जो दोनों है जनरल सेंसरी और स्पेशल सेंसरी, जो ब्रांच है किसकी, एक वेगस नर्व की, जो वेगस नर्व है टेंथ क्रैनियल नर्व है। मैंने इस साइड में जितनी भी नर्व बनाई है जितनी भी नर्व बताई है ये सारी की सारी नर्व ये एक तरह का सेंसरी नर्व है, और इस साइड में मैं बात करूँगा ये मोटर नर्व के बारे में, करेक्ट। तो सेंसरी नर्व के बारे में मैंने बात कर ली, तो इसको याद कैसे करेंगे अपन, याद करने के लिए अगर आपको एग्ज़ाम में ये चीज़ें तो याद रहेगी नहीं, तो आपको बस करना क्या है, आपको इनके नाम याद मत करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं हुए तो कैसे याद करना है, पाँच, पाँच में दो मिलाए सात, सात में दो मिलाए नौ, और नौ में एक मिलाया दस, हो गया, मतलब पाँच सात नौ दस ये चीज़ें याद रह गई ना एग्ज़ाम में अपन को, भाई ये पाँच सात नौ और दस वाली वो सप्लाई करती है सेंसरी, तो अपने दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि पाँच वाली कौन सी मैंडिबुलर नर्व, सात वाली कौन सी फेशियल नर्व, नौ वाली कौन सी ग्लोसोफेरिंग्स नर्व, और दस वाली कौन सी वेगस नर्व, ये चीज़ें याद आ जाएगी। बाकी ये तो इनकी ब्रांचेज है, याद हो गया। फिर अब बात करता हूँ मैं मोटर के बारे में।
मोटर के बारे में कुछ याद नहीं करना। मोटर जो सप्लाई है वो मोटर है, उसके अंदर एक हाइपोग्लोसस नर्व होती है, और हाइपोग्लोसस नर्व कौन सी है, 12th cranial नर्व। जो ये क्या है कि हमारे जो सभी तरह की मसल्स होती है टंग की, उसको हाइपोग्लोसस नर्व सप्लाई करती है, एक्सेप्ट कौन सी, पैलेंटोग्लोसस। मैं बता देता हूँ, एक्सेप्ट है पैलेंटोग्लोसस। और ये जो पैलेंटोग्लोसस है, ये हमारे कोई भी किसी भी तरह की जो एक वेगस नर्व सप्लाई करती है, और वेगस कौन सी है, 10th है, और किसके द्वारा, वाया फेरेंजियल प्लेक्सस या फेरेंजियल ब्रांच लिख दूंगा। तो ये जितना भी मैंने डिस्कस किया है, ये पूरी की पूरी टंग की नर्व सप्लाई है। याद करना क्या है आपको, कुछ भी नहीं करना, सेंसरी के अंदर चार याद कर लो, 5, 7, 9 और 10। अगर ये याद हो गया ना आपको, तो पूरी की पूरी सेंसरी आप कर दोगे। और मोटर के अंदर तो करना कुछ ही नहीं, बस 12 याद करना है, और ये सभी तरह की मसल्स को सप्लाई करती है। मैंने अब ये भी बोला, एक्सेप्ट पैलेंटोग्लोसस। पैलेंटोग्लोसस को कौन करता है, वेगस वाली, 10th वाली, किसके द्वारा, वाया फेरेंजियल प्लेक्सस या फेरेंजियल ब्रांचेस के द्वारा। तो इतना ही पढ़ना है बस टंग की नर्व सप्लाई के अंदर। थैंक यू।